नमस्कार। आज मैं बनाऊंगी एक ब्रेकफास्ट रेसिपी। इसका नाम है सूजी डोसा। ये सूजी डोसा बनाने के लिए मैंने जो जो इंग्रेडिएंट लिया है वो पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। पहले तो मैंने यहाँ पे सूजी लिया है। यहाँ पे 2 कप के करीब सूजी है, ये नॉर्मल सूजी है। और मैंने लिया है यहाँ पे दही, 1 कप दही लिया है मैंने। 1 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज लिया है, 1 टमाटर काट के लिया है, थोड़ा सा सरसों के दाने और 1 लाल मिर्च लिया है, सूखी लाल मिर्च। और लिया है मैंने 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 हरी मिर्च कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, कुछ करी पत्ते को, फ्रेश करी पत्ते को मैंने धो के रख दिया है। और लिया है मैंने 1 पिंच बेकिंग सोडा, ये खाने वाली सोडा या मीठी सोडा जो बोलते वो। और आलू मैंने 4 आलू मैंने बॉईल करके मैश करके ले लिया है। और तेल थोड़ा सा डाला है मैंने, सरसों का तेल, 3-4 स्पून सरसों का तेल। तो पहले हम ये डोसे के बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए इस सूजी में मैं 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। मैं ये बैटर दही डाल के बना रही हूँ। आज आप लोग दही ना हो तो पानी से भी बना सकते हो। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के अच्छे से एक बैटर बनाऊंगी। बैटर बन गया हमारा। ये अब मैं ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। और साइड में मैं ये मसाला तैयार कर लेती हूँ। डोसे का जो मसाला होता है वो तैयार करूंगी। गैस ऑन कर दिया और तेल मैंने पहले ही बोला था, तेल रख दिया कढ़ाई में। अब तेल को थोड़ी देर गर्म होने देती हूँ, उसके बाद मैं मसाला डाल रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये सरसों के दाने और मिर्च को मैंने तोड़ दिए, वो डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी ये करी पत्ता। अब डाल दी ये प्याज। डालूंगी ये टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देती हूँ, उसके बाद में आलू डालूंगी इसमें। टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मैश करके जो रखा था आलू, ये आलू डाल रही हूँ। गैस अभी लो पे ही है और मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी।
और इसमें डाल रही हूँ ये हल्दी पाउडर, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, एक हरी मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से डालना, और ये नमक स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ मैं। अब इसको मैं थोड़ी देर पकने दूंगी। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, अभी मैं इस मसाला को एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेती हूँ और तवा रख के फिर डोसे की तैयारी करती हूँ। मसाला मैंने निकाल लिया है, अभी मैंने यहाँ पे तवा भी रख दिया है। अब मैं बेटर को देख लेती हूँ। इसमें मैंने पहले नमक नहीं मिलाया था, अभी थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा। और इस साइड में तावा में थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा। गैस अभी सिम पे ही है, तवा गर्म हो चुका है। बैटर भी हमारा तैयार है, अभी मैं तवा में ये बैटर डालूंगी। बैटर डाल के ऐसे फैला के दूंगी, फिर एक साइड से अच्छे से पकने दूंगी, उसके बाद दूसरे साइड को करूंगी। ये बहुत बड़ा नहीं बनता है, छोटा छोटा ही बनता है, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाना भी इजी है। इसके लिए कोई चावल दाल की पंगा नहीं होता है हमें, तो सूजी हमेशा हमारे घर में होता ही है, तो सूजी घोल के ऐसे फटाफट से बनाया जा सकता है इसको। और ये अब मैं होने देती हूँ। ये बिल्कुल सूख गए ऊपर से, अब मैं इसको उल्टा साइड से भी थोड़ा सा पका लूंगी। और मैं यहाँ पे बीच में भी मसाला डालूंगी। थोड़ी देर पकने देती हूँ इसको। दूसरे साइड से भी डोसे पक गए हैं, अब मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। अब मैं दूसरा बैटर डालूंगी।
इसको निकालूंगी और दूसरा डाल दूंगी। तेल मैंने डाल दिया है तवा में, डाल दिया। इसको भी मैं एक साइड से पकने देती हूँ अच्छे से। लीजिए, तैयार हो गए हमारे सूजी डोसा। और आज मैंने इसको साथ डोसे के साथ में मैंने मूंगफली की चटनी से दिए प्रेजेंट किया है इसको। और ये बनाना तो आसान है, आपने देखा ही है, एक बार बना के देखना। और ये अच्छा ही मतलब सबको अच्छा लगता है सूजी डोसा, आप लोग भी बना के देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।